हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी जो आप मेरा वीडियो देखिए, ये वीडियो कैसे बनाया गया है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है टिकटॉक पे, तो ऐसे वीडियो कैसे बना सकते हैं बिल्कुल एक मिनट में मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा इस वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनीत और स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा कोई वीडियो आएगा सबसे पहले टाइम टाइम आपको मिलते रहेगा। चलिए, बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन में। प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके 9.16 को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद से आपको मीडिया पे जानी है, बैकग्राउंड पे जानी है, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेनी है जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। इसके बाद से इस वीडियो का वीडियो आपका जितना बड़ा वीडियो है उतना बड़ा इसको कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से आप ओके करेंगे, फिर से आप इधर आइए और आपको लेयर में जानी है, फिर से आपको मीडिया पे सिलेक्शन कर लेना है और एक वीडियो डाउनलोड कर लेना है जो मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रीन स्क्रीन का ये जो वीडियो है, तो ये वीडियो मैं यहाँ से लेके आ गया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को ऐसे करके आप थोड़ा सा बड़ा, जितना बड़ा आपको ज़रूरत है उतना बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद से इसको यहाँ से आप ओके कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम फिर से जितना ज़रूरत है उतना इस वीडियो पे क्लिक करके या बाकी का पार्ट जो है ट्रिम टू राइट करके काट लेंगे, आप भी काट लेंगे, ठीक है। फिर ऊपर वाला वीडियो लेयर पे क्लिक करके सीजर पे क्लिक कीजिए और ट्रिम टू राइट और प्लेहेड को काट लीजिए, क्लिक करके काट लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको अपना एक वीडियो शूट करनी होगी, वो मैं आपको वीडियो लेके आके दिखाता हूँ कि वो वीडियो आपका किस तरीके का होना चाहिए दोस्तों। तो अब मैं जाऊंगा लेयर पे, लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया को सिलेक्शन करना है और आपको अपना एक वीडियो शूट करनी है। तो मान लीजिए ये मैं एक वीडियो शूट किया हूँ, जो मैं अपना वीडियो यहाँ से पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यहीं पे मेन चीज़ है, आप यहीं पे ध्यान से देखेंगे। अभी मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको अच्छा से दिख जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ कि आप देख सकें, तो ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये हमको ज़रूरत जो है, क्योंकि सेकेंड जो है वो हमको ज़रूरत है, ठीक है ना, यहाँ से हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लेके आके क्लिक करेंगे, देखिए जहाँ पे हैंड का ज़रूरत है दोस्तों, हाँ ये वाला वीडियो ही आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आपका हैंड यहाँ पे देखिए, आपका एकदम स्क्रीन के सामने जहाँ तक हो वहाँ पे आपको कट करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करके लेफ्ट वाला ट्रिम कर लेंगे, लेफ्ट वाला काट लेंगे दोस्तों, ठीक है। उस बार वीडियो लेयर पे क्लिक करके और इधर लेफ्ट के साइड में खींचेंगे, ठीक है, और खींच के जहाँ जहाँ से ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हुआ है दोस्तों, वहाँ तक आपको लेके आनी है इस वीडियो को, ठीक है। तो आपको देखिए ग्रीन स्क्रीन कहाँ पे है, अभी भी ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, तो अब यहाँ पे लेके आ जाएंगे और एक बार मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, शुरू से एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद से बताऊँगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन मेरा यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमको लेके आना है दोस्तों। तो ये आप ध्यान से देखिए कि आपको करना क्या है। तो ये इतना ही दूर मेरा देखिए यहाँ पे ये है, उसके बाद से जैसे अभी इसके और आगे हमको करनी है थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी होगी दोस्तों, ठीक है, यहाँ से हमको करनी है। अब इस आपका वीडियो, ये जो वीडियो है इसको आप यहाँ से डुप्लीकेट थ्री डॉट पे क्लिक करके बैक सेंड टू बैक कर देंगे और इस वीडियो को यहाँ से करके बड़ा कर लीजिए आप, क्योंकि आप बड़ा करेंगे तभी अच्छा लगेगा। यहाँ से आप ओके करेंगे, फिर ये वाला वीडियो पे क्लिक करके आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, आप नीचे आएंगे और देखेंगे क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है ग्रीन स्क्रीन का, ग्रीन स्क्रीन कर लेंगे, यहाँ से आप ओके कीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से इसको आप एनेबल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ी सी प्ले करता हूँ, अभी भी इस वीडियो में एडिटिंग करना थोड़ी सी बाकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से प्ले करके और एडजस्टमेंट करना होगा दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे हुआ, मेरा हाथ आया, फिर यहीं तक का हमको वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो लेयर पे क्लिक कीजिए, फिर सीजर पे क्लिक कीजिए, फिर स्पीड टू प्लेहेड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाकी का जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है वो मुझे ज़रूरत नहीं है, दिखाना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हम ऐसे कर रहे हैं फ्लाइंग किस या जो भी है, तो यह सीजर वाला पे फिर से क्लिक करके आपको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, काट लेना है। उसके बाद से इस वीडियो को थोड़ा सा इधर लेफ्ट के तरफ में लेके आना है दोस्तों आपको, क्योंकि ये बाकी का पूरा एडजस्टमेंट हो जाए अच्छा से, ठीक है। अब ये देखिए आपको ये जो छोटा लग रहा है, छोटा दिख रहा है यहाँ से, आप ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा,
और ये जो है ये इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए तो और अच्छा लगेगा आपको देखने में, ठीक है। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ इस वीडियो को, देखिए मैं एक बार प्ले करता हूँ, ऐसे किया, हाथ ऐसे आया और ऐसे किए, फिर से आप इस साइड में देखे और ऐसे करके भागे, तो ये काफ़ी अच्छा तरीके से ये वीडियो बन गया है दोस्तों। तो इसी तरीके का ये वीडियो आपको बनाना है, और यहाँ से बनाने के बाद दोस्तों यहाँ से आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये जो एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल क्लियरली समझ पाए होंगे कि ये कैसे बनाना है और आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।